हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप लोग? जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हिमांशु अपनी क्लास का जो एक स्टूडेंट है वो बहुत ही अच्छे नंबर लेके आया है। उन्होंने एडवांस अकाउंट हमसे पढ़ा था, उनके 85 मार्क्स हैं। और मैं चाह रहा था कि आपको छोटा सा एक मोटिवेशन, एक गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस उन बच्चों के लिए जो अब एग्ज़ाम देने वाले हैं या जो एग्ज़ाम दे चुके हैं जिनके साथ में रिजल्ट की समस्या आ गई है, एक प्रॉपर गाइडेंस मैं चाहता हूँ कि हिमांशु उनको थोड़ा सा कम्युनिकेट कर दें। तो बेटे, मैं आपको सीधा ज़्यादा बातें ना करके हिमांशु के पास मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है? आइए बात करते हैं हिमांशु से। हाँ जी हिमांशु। हेलो गाइस, माय नेम इज़ हिमांशु तेवतिया। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन ऑफ माई अटेम्प्ट एंड नवम्बर एज वेल। सो मैं आपको ये थोड़ा गाइड करने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो सर ही आपको ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से ट्राई करता हूँ कि क्या मैं आपको बता सकता हूँ। मैं फर्स्ट तो मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगा क्लासेस को लेके, कि आपको क्लास में एक किस तरीके से आपको बैठना चाहिए, किस तरीके से आपको होमवर्क के लिए आपको ट्राई करना चाहिए। जैसे आपको अगर क्लास में कोई होमवर्क के लिए आपको मिलता है तो आपको करना चाहिए, जिससे आपको सेकेंड क्लास में जब आप आए हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस हो, जो आपने पहले टॉपिक पढ़ा हुआ है उसका आपको एक रिविज़न मिले। आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। अब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी कहाँ से आप कर सकते हो? देखिए, स्टडी मटेरियल जो होता है वो काफ़ी रिलेवेंट चीज़ होती है आपके एग्जामिनेशंस के लिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स कौन ड्राफ्ट करता है? ICAI। और आपको उसी की बुक्स से ज़्यादा आपको कनेक्ट करना चाहिए। उसके लिए आप एक्स्ट्रा में स्टडी मटेरियल के साथ स्कैनर्स कर सकते हैं, जिसमें पास्ट ईयर क्वेश्चंस रहते हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। क्योंकि होता क्या है कि 80 मार्क्स तक कुछ ऐसा एग्ज़ाम ICAI ड्राफ्ट करता है जिसमें आपके ज़्यादातर पोर्शन वो प्रीवियस ईयर से ही कनेक्ट करता है, बाकी 20-30 मार्क्स का वो थोड़ा चेंज उसमें कर सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं करते। और आपकी ये सोच होनी चाहिए कि आपको एडवांस अकाउंट्स में उतने मार्क्स स्कोर करने हैं जिसके आपके सेकेंड ग्रुप में एग्रीगेट का प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि होता क्या है, आप देखेंगे तो आपके सेकेंड ग्रुप में दो सब्जेक्ट्स काफ़ी थ्योरी के हैं, जो हैवी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे ऑडिटिंग और EASSM। तो आपको ये टारगेट होना चाहिए कि आपको एडवांस अकाउंट्स में मोर देन 80 मार्क्स स्कोर करने हैं, जिससे आपकी एग्रीगेट की प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्व हो जाए। क्योंकि थ्योरिटिकल सब्जेक्ट्स में, ऑडिट या EASSM में 80 मार्क्स से ज़्यादा स्कोर करना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, होते हैं बच्चों के, लेकिन वो काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ है। तो आप